वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आप सभी का इंडियन मॉम्स डायरी में बहुत स्वागत है। और आज मैं जो एक्टिविटी लेकर आई हूँ, इसे तीन पार्ट में हम करेंगे। और ये एक्टिविटी आप इवन अपने 1.5 से 2 साल के बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और उनके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे हिट कीजिए और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टॉडलर के साथ होम स्कूलिंग या घर में हम जो चीज़ें उन्हें सिखाते हैं वो उनके लिए आसान और इंटरेस्टिंग हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सिर्फ आपको एक शीट, वाइट शीट चाहिए। आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग जब हम छोटे बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं, तो जब छोटे बच्चों को हम पेंटिंग कराएंगे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेपर का साइज उनके साइज से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तो वो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक वाइट शीट या किसी भी कलर की शीट आप ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे पेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने बच्चे के लिए, बहुत छोटा बच्चा है तो आप प्लीज़ टॉक्सिन फ्री देखिए, क्योंकि बच्चे मुंह में भी उंगली डालते रहते हैं, या फिर आप उनकी, अगर आप उनके साथ अच्छे से बैठे हैं तो आप वेट टिश्यू कैरी कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आप ऐसे पेन में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें कोई टॉक्सिन ना हो, कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, तो बच्चे की स्किन को नुकसान ना पहुँचाए। तो कुछ खास नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। इसमें बेसिकली हमें शीट्स चाहिए और हमें पेंस चाहिए, स्केच पेन चाहिए, जो कि सेकेंड और थर्ड एक्टिविटी में यूज़ होगा। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसे मैंने नाम दिया है डॉट टू डॉट एक्टिविटी। डॉट टू डॉट एक्टिविटी में हम जो सबसे पहली एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है कलर हगिंग। कलर हगिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, पूरी शीट पर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप्स गिरा दीजिए। बच्चा बहुत छोटा है तो आप 2 या 3 या प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल कीजिए सिर्फ, लाइक रेड, येलो और ग्रीन का ही आप सिर्फ इस्तेमाल करिए, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डार्क कलर्स होते हैं तो पूरी शीट पे अलग अलग जगह आप येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, या सिर्फ आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो पूरी शीट पे आप जगह जगह सिर्फ रेड कलर्स भी उसके ड्रॉप्स गिरा सकते हैं। अब बच्चे से आप कहिए अगर वो समझ पा रहा है इन चीज़ों को, या देख पा रहा है, या उस ट्राई कर पा रहा है, 2 साल का है, तो आपको बताइए कि आपको हर ड्रॉप एक दूसरे ड्रॉप से मिलाना है। या अगर आप बच्चों की भाषा में उनको समझाना चाहें तो आप बोलिए कि ये मेन ड्रॉप है और इसे अपने सारे फ्रेंड्स को हग करना है। तो इससे बच्चा एक लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ पर आप चाहें तो बच्चे की फिंगर्स का भी इस्तेमाल करा सकते हैं और आप चाहें तो क्यू टिप्स का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दोनों में जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप यूज़ कीजिए। अब अगर बच्चा क्यू टिप कर रहा है या फिंगर भी कर रहा है, दोनों ही एक्सरसाइज फाइन मोटर्स के लिए अच्छी हैं। दोनों ही अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कलर रिकॉग्निशन के लिए भी बहुत अच्छी है। एक एंगेजमेंट एक्टिविटी हो रही है उसके लिए ग्रॉस मोटर भी है, फाइन मोटर स्किल्स भी, और आगे चल के राइटिंग में भी उसको हेल्प करेगी और कलर रिकॉग्निशन भी कराएगी। तो ये हो गई डॉट टू डॉट एक्टिविटी ओनली विथ कलर। तो ये बहुत छोटे बच्चों के साथ भी आप करा सकते हैं, लाइक 1.5 साल 2 साल के बच्चों के साथ भी। उससे उनको कलर रिकॉग्निशन भी होगा और आगे के लिए भी उनके एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम इसे दूसरी एक्सरसाइज, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 2.5 साल 3 साल का है, बच्चा अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने लगा है, तो अब आपको क्या करना है। इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर जैसे मैंने इसमें शीट में आप देख पा रहे हैं करा है, तो मैंने इसमें जैसे ए बी या बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, तो मैंने उन लेटर का सिर्फ सेकेंड पार्ट ही लिखा है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, तो उसको सिर्फ कैपिटल कैपिटल पेंस के थ्रू मिलाना है। तो वो हैंड से भी कर सकता है ये एक्टिविटी, और आप देख रहे हैं वो क्यू टिप से भी कर रहा है, तो ए से ए को मिलाना, बी से बी को मिलाना। इसका सेकेंड पार्ट जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, लाइक आपने ए लिखा है कैपिटल में और आप स्मॉल ए लिख दीजिए। अब बच्चे को बोलिए कैपिटल ए से स्मॉल ए को मिलाए, कैपिटल बी से स्मॉल बी को मिलाए। तो ये एक्टिविटी 2 तरह से आप कर सकते हैं, लाइक अल्फाबेट रिकॉग्निशन के लिए, तो कैपिटल लेटर ही लिखिए और बच्चे को रिकॉग्नाइज कराइए। आप उसे कैपिटल और स्मॉल लेटर पे फोकस कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखिए और कैपिटल से स्मॉल लेटर को मैच कराइए। आपने अभी कम लेटर सिखाए, लाइक आप ए से ई तक ही टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या डी तक ही कर रहे हैं, तो अगेन सेम हग ऑल द अल्फाबेट्स करके आप बताइए। तो ए आप कई जगह लिखिए और बच्चे से कहिए कि सारे ए को एक साथ ज्वाइंट करता चला जाए। सो ये एक सिंपल एक्टिविटी है। देन थर्ड एक्टिविटी इसी में हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए अब्राहम ने पेंस का इस्तेमाल नहीं करा है, वो यहाँ पे स्केच पेन का इस्तेमाल करेगा। उस यहाँ पर मैंने क्या किया है, नंबर्स के लिए, अगेन इट्स गुड फॉर नंबर रिकॉग्निशन एज वेल, 1 1 2 2 3 3, और उनको बोलिए
इन नंबर्स को मैच कराए। आप चाहें तो सिर्फ दो दो के पेयर्स में भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पूरी शीट पे कई जगह वन लिख सकते हैं थोड़े थोड़े गैप पे, और बच्चे को उनसे हग करने के लिए बोलिए। तो वो जब सारे वंस को रिकॉग्नाइज करेगा, ड्रॉ करेगा, मैच कराएगा, तो दो तरीके से ये पूरी एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल है। पहला, आप जो भी रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे हैं, तो कलर या तो अल्फाबेट, कैपिटल, स्मॉल या नंबर्स, तो रिकॉग्निशन तो है ही, साथ में इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द फाइन मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल इसलिए बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे ये उसे राइटिंग में भी डेफिनेटली हेल्प करता है। तो इस एक्टिविटीज का नाम है डॉट टू डॉट एक्टिविटी, जिसे हमने किया है कलर रिकॉग्निशन के लिए, अल्फाबेट रिकॉग्निशन के लिए, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर एंड नंबर रिकॉग्निशन के लिए। तो एक एक्टिविटी और आपको मिल रहे हैं, चार चार बेनिफिट इससे। इसमें बच्चा चाहे 2 साल, मैं कहूँगी 1.5 साल और 2 साल के बीच में भी है तो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट 2 साल के लिए तो ये बेस्ट एक्टिविटी है, और उसके बाद अल्फाबेट एंड नंबर्स के लिए तो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आई थिंक आपको हमारा चैनल और हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इन एक्टिविटीज़ को यूज़ कर पाएँ। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक डाल के टैग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी पेरेंटिंग एंड एन्जॉय लर्निंग।